नमस्कार, शुभ सकाळ। प्रथम खबर को स्वागत करुछु। माथरे प्रथमे हेडलाइंस। आरोपारी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह कोरोना रे 91 वर्ष बयस देहांत। प्रधानमंत्री कहिले हरायलु जड़े महान खेलाड़ी, एशियन गेम्स रे 4 थर स्वर्ण पदक विजेता। कोरोना युद्ध रे हारिगले विजिलेंस डीजी, चिकित्साधीन अवस्था रे देवाशिष पाणिग्राही परलोक। जून 8 रे एकमो पई कोलकाता को होइतिले एयरलिफ्ट। वियोग रे विशिष्ट व्यक्ति को शोक प्रकाश। अक्टोबर सुधा भारत को आसीपे कोरोनार तृतीय लहर। टीकाकरण जगू कम रहिब संक्रमण हार, सतर्क रहिबाकु एम्स निर्देशक रणदीप गुलेरिया चेतावनी। कोविड वैक्सीन नहीं लोगों को सचेतन कले नीति आयोग सदस्य वीके पल। कहिले टीका नेले हॉस्पिटल रे भर्ती होबार संभावना कम। ऑक्सीजन आवश्यकता 8%, आईसीयू रे भर्ती होबार संभावना 6% को कम। तीन सप्ताह भितरे ओडिशा को आसीपे कोरोनार तृतीय लहर। महाराष्ट्र कोविड टास्कफोर्स आकलन बढ़ाला चिंता। दुर्बल स्वास्थ्य भित्तिभूमि को नहीं राज्य सरकार को आगुआ प्रस्तुति उपर बड़ प्रश्न। विश्वर सबुठ लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 देश में नेता पक्षर पकाइले। 66% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग सह प्रथम स्थान। आमेरिकार डाटा इंटेलिजेंस फर्म मनिंग कंसल्ट द्वारा होइतिले सफल। नुआ आईटी नियम को नहीं सख्त भारत। ट्विटर को देला चरम चेतावनी। काहीकि जोरिमाना हेबनी बोली प्रश्न कले संसदीय प्यानेल सदस्य। देश में नियम पालन करने को जणाइला प्यानेल। छता रेनकोट पॉलीथिन केबे हेबो अत्यावश्यक सामग्री। कटकणा भितरे व्यवसाय पाई अनुमति देबा को उछला दाबी। प्रश्न पचारे प्रसंग डाउछन्ते जाजपुर जिलापाल। आसिया संपूर्ण खबर को। भारतर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह परलोक। कोविड संक्रमण जगू 91 वर्ष बयस देहांत हो। भारत अनेक पदक जीतवा सह गौरव आनी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पड़िया को ओल्लैले भारत जीतुले मेडाल। जातीय और अंतर्जातीय दौड़कूदे भारत आनी अनेक गौरव। हेले जीवन युद्ध में हारी जा 91 वर्षीय मिल्खा। चंडीगढ़ एक हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था देहांत होइछि। कोरोना रे आक्रांत हो चिकित्सित होबा परे बुधवार तांकर रिपोर्ट नेगेटिव आसीतला। हेले कोरोना परर असुस्थता जोगु गुरुतर हो प्राण हरायछन्ति मिल्खा सिंह। एक सप्ताह तले तांको पत्नी निर्मल कौरकर मध्य कोरोना संक्रमण जोगु मृत्यु होइतला। 20 नवंबर 1929 रे पंजाब रो गोविंदपुर रे जन्मग्रहण करथिले मिल्खा। 1956, 1960 और 1964 ओलंपिक रे भारतर प्रतिनिधित्व करथिले। 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स रे भारत को जिताइथिले स्वर्ण पदक। सेहिपरी 1958 एशियन गेम्स रे गोटिए और 1962 एशियन गेम्स रे दुईटी स्वर्ण पदक जितिथिले। 1960 ओलंपिक 400 मीटर दौड़े चतुर्थ स्थान अधिकार करथिले मिल्खा। 45.73 सेकेंड रे से 400 मीटर अतिक्रम करथिले। भारत में 40 वर्ष जाए तांकर एही रेकर्ड को केही भांगी पारि नथिले। 1969 मसीहारे मिल्खा को पद्मश्री सम्मान प्रदान करा जायतिला। ओलंपिक रे भारत को स्वर्ण पदक जितायबार स्वप्न पूरण होई पारि नथिले मध्य से युववर्ग को एथिपई उत्साहित करथिले। हेले एही स्वप्न पूरण हेबा पूर्वरु चिर विदाय नैछन्ति फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। मिल्खा सिंह वियोग में गभीर दुख प्रकाश करिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश जने महान क्रीड़ाविद को हरायला। अगणित भारतीयों हृदय में एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिथिले मिल्खा सिंह। तांको प्रेरणादायक व्यक्तित्व पई लक्ष लक्ष लोक तांको भल पाउथिबा कहिछन्ति मोदी। किछि दिन तले मिल्खा सिंह सह कथा होइथिले, मात्र एहा शेष वार्तालाप हेबो बोली जानि नथिबा कहिछन्ति प्रधानमंत्री। अनेक क्रीड़ाविद तांको जीवन यात्रारु शक्ति पाइबे। परिवार सह प्रशंसकों को ट्वीट करी समवेदना जणाइछन्ति प्रधानमंत्री। किंवदंती स्प्रिंटर फ्लाइंग सिख
शेख मिल्खा सिंह वियोग में शोक प्रकाश करिछन्ते केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। से विश्व आथलेटिक्स एक अविस्मरणीय चिन्ह छाड़ जाइछन्ते। जाति सर्वदा भारतीय क्रीडार उज्जवल तारका भाव मन रखिबो। मिल्खा सिंह परिवार एवं अनुगामी को ट्वीट कर समवेदना जनाइछन्ते अमित शाह। विजिलेंस डीजीए देवाशिष पाणिग्राही परलोक। कोविड आक्रांत हो चिकित्सित होते देवाशिष स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होबारु एक्मो चिकित्सा पाई तांको कोलकाता एयरलिफ्ट करा जाइतिला। जून 8 रे कटक रे एक घरे हॉस्पिटल रो भुवनेश्वर को स्वतंत्र ग्रीन करिडोर माध्यम रे स्थानांतर करा जाइतिला एवं एयरलिफ्ट करा जाइतिला। कोलकाता रे चिकित्साधीन अवस्था रे देवाशिष कर देहांत होइछे। 1991 मसीहार वरिष्ठ आईपीएस अफिसर देवाशिष पाणिग्राही 25 डिसेंबर 2016 विजिलेंस निर्देशक भाबे अवस्थापित थिले। 29 अगस्त 1965 रे देवाशिष को जन्म। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सह से गल्परे साहित्य एकेडमी पुरस्कार मध्य पाइछते। 2002 रे क्षुद्र गल्प संकलन तथा कथित पाई तांको पुरस्कृत करा जायतिला। देवाशिष को वियोग रे बहु विशिष्ट व्यक्ति शोक व्यक्त करिछन्ते। वरिष्ठ आईपीएस अफिसर तथा विजिलेंस निर्देशक देवाशिष पाणिग्राही वियोग में शोक प्रकाश करिछन्ते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। से जड़े आईपीएस अधिकारी भाव अनेक गुरुत्वपूर्ण पदवी में थे और ओडिशार सेवा करमंत्री। देवाशिष पाणिग्राही परिवार को ट्वीट कर समवेदना जनाइछन्ते धर्मेन्द्र प्रधान। आगको रही आगे कि गुरुत्वपूर्ण खबर नजर पकाइबा हेले कमर्शियल ब्रेक पर। ब्रेक पर स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया सबुठारु लोकप्रिय नेता विश्वर बहु प्रभावशाली नेता पछरे पकाई शीर्षरे अछन्ते मोदी। 13 देशर अन्य नेतांकठारु बहु आगरे रहिछन्ते। अमेरिकार डाटा इंटेलिजेंस फर्म मनिंग कंसल्ट द्वारा करा जाइतिबा एक सर्भेरो यहा प्रकाश पाइछे। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया रो सबुठारु लोकप्रिय नेता विश्वर बहु प्रभावशाली नेता पछरे पकाई शीर्ष स्थान रे मोदी। 66% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग सहित प्रथम स्थान रे। अमेरिकार डाटा इंटेलिजेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा करा जायतिबा एक सर्भेरो प्रकाश। कोरोना काल रे मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया सबुठारु अधिक लोकप्रिय नेतांक मध्यरे प्रथम स्थान रे अछंती। अमेरिकार डाटा इंटेलिजेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा करा जायतिबा एक सर्वे रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य विश्व नेतांक तुलना रे सबुठारु लोकप्रिय अटंती बोली जणा पडिछि। मोदींकर 66% ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रहिछि। सर्वेक्षणरु मिलिथिबा तथ्य अनुजाई कोरोना संकटरे मध्य मोदी अमेरिका ब्रिटेन रूसिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा ब्राजिल फ्रांस एवं जर्मनी समेत 13 देशर अन्य नेतांक ठारु बहु आगरे अछन्ति। अमेरिकार डाटा इंटेलिजेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा कोरोना समय रे सर्वे करा जायतिला। भारत रे 2126 जन वयस्कंक उपरे होइतिबा एक सर्वे रे 66% लोक मोदी को पसंद करथिले बोली एई ट्रैकर को जून 17 रे अपडेट करा जायतिला। अमेरिकियो डाटा इंटेलिजेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पर्यायक्रमे विश्व नेतांक ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग ट्रैक करिथाय। एई सर्वेक्षणरु जणा पडिछि जे देशर नागरिक मानंकर नेतांक विषय रे सेमानक मतामत कोन एवं सेमाने तांकु केते पसंद करंती। एई सर्वे रे इटालीर प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी मेक्सिको राष्ट्रपति आंड्रेस लोपेज ओब्राडोर यथाक्रमे द्वितीय तृतीय नंबर रे रहिछंती। अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन सर्वे रे प्रथम 5 जनक मध्य रे स्थान पाइन थिबार जणा पडिछि। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग लिस्ट रे चतुर्थ नंबर रे 54% सहित ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन रहिछंती ओ पंचम स्थान रे 53% सहित जर्मन रा चांसलर आंजेला मार्केल अछंती। एही क्रम रे अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन षष्ठ स्थान रे ओ सेही परिभावरे सप्तम स्थान रे कनाडा रा प्रधानमंत्री
जस्टिन ट्रूडो और अष्टम स्थान रे यूनाइटेड किंगडम रा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रहिथिबार जणा पडिछि। ब्यूरो रिपोर्ट अगस्त न्यूज। देशरे चलेछि विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण कार्यक्रम। लोकंक मनरु टीका को नेथिबा भ्रम को दूर करबा सह टीका नेबा पई लोकंक आगो को आसीबा पई सरकार अपील करुछन्ते। तबे टीकाकरण केते गुरुत्वपूर्ण एवं टीका नेपा परे कोरोनारु जणे व्यक्ति केते सुरक्षित रहुछि ताहा परे सूचना दैछन्ते नीति आयोग सदस्य वी के पाल। से कहिछन्ते टीका नेथिबा व्यक्तिक क्षेत्र रे हॉस्पिटल रे भर्ती हेबार संभावना 75% रु 80% कम। सेपरि टीका नेथिबा व्यक्तिंकु अक्सिजन आवश्यकतार संभावना 8% एवं आईसीयू रे भर्ती हेबार संभावना मात्र 6% रहिथाय भली से कहिछन्ते। कि भारत से भी अब स्टडीज आ रही हैं कि टीके लगने के बाद प्रोटेक्शन कितनी हो जाती है, तो एक दो स्टडीज आई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे। दो स्टडीज मेरे सामने हैं अभी, उसकी समरी सिर्फ बताना चाहूँगा। हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोरोना के मरीज होते हैं, आईसीयू के अंदर, कोरोना वार्ड के अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी पेशेंट्स। स्टडीज ये दिखाती हैं कि वैक्सीन लग जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत का जो चांस है वो 75-80% कम हो जाता है। इन्फेक्शन हो भी जाए, डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाए तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वो चांस 20-22% रह जाता है जो डेटा के हिसाब से। ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है, इमेजिन 8%। जिनको नहीं मिला उनको 100 तो इनको सिर्फ 8, इतना फर्क है। और उससे सीरियस आईसीयू एडमिशन है, ये डेटा मेरे सामने दिखाता है कि आईसीयू एडमिशन में 6% रिस्क रह जाता है, प्रोटेक्शन 94% हो जाती है। एक बहुत पावरफुल डेटा है, रीजनेबल साइज स्टडीज हैं, और क्योंकि उस ग्रुप में करी गई जहां की इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा रिस्क है, इसको हमें लॉजिक रैशनल करने के लिए हमें क्लियरली मैं कहूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करिए। अक्टूबर सुधा भारत को आसी परे कोरोनार तृतीय लहर, एने सतर्क रहिबाकु चेताई देउछन्ते स्वास्थ्य विशेषज्ञ। 40 जन विशेषज्ञ डॉक्टर वैज्ञानिक प्रोफेसर को ने एक सर्वे करा जायतिला जेउथरे 85% बा 21-24 जन अक्टोबर सुधा तृतीय लहर आसीबो बोली संकेत दैछन्ते। सेपरि 3 जन अगस्त एवं 12 जन सेप्टेम्बर रे तृतीय लहर आसीबा नै चेताई दैछन्ते। अन्य 3 जन विशेषज्ञ नवेम्बर रे फेब्रुवारी मध्यरे तृतीय लहर आसीबार पूर्वानुमान करिछन्ते। तबे तृतीय लहर नियंत्रित रहिबो बोली कहिछन्ते ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निर्देशक रणदीप गुलेरिया। देशरे व्यापक टीकाकरण जको संक्रमण हार कम रहिबो। द्वितीय लहर संक्रमण रे लोकंक ठारे प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि होइतबा कहिछन्ते रणदीप। तबे विशेषज्ञक सर्वे अनुसार आउ वर्षे जाय महामारीर प्रभाव रहिबो। बलांगीर जिला कंटाभंजी थाना अंचल रे पुणी जणे दातन श्रमिकों को प्लास्टिक पाइप रे माड़ मरा जायतिबा अभियोग आसिछे। सरदार ठारु माड़ खाइतिबा दातन श्रमिक जणक हेले कंटाभंजी थाना दाबिरी गाँव भूतेश्वर हाथी। भूतेश्वर हाथी गाँव पूर्थी नाग घर को कौनसी काम पाई टंका नेबा को जायतिले। पूर्थी सह कथा हेउतिबा समय कंटाभंजी आश्रम पड़ार सरदार राजा खान एवं 3 जण सांग गाँव को आसी भूतेश्वर को असभ्य भाषा रे गाली कुलच करथिले। या सह गाड़ी रे बसाई निज घर को आनी प्लास्टिक पाइप रे निर्धुम माड़ मारिथिबा कंटाभंजी थाना रे लिखित अभियोग होइछे। भूतेश्वर को टंका नै बाहर राज्य को काम करि जिबा पाई कहिथिला सरदार, हेले बाहर को जिबा पाई मना करि पारु एभले माड़ मारिथिबा अभियोग करिछन्ते से। मगा जामु इतसा पूर्ति कर गादि जितिना जामु फोन कॉल मोर
पैसा नहीं जीतने आया आज मैं ये दीदी फिर मुझे पूरी कर आया अनले और मग बूटे आपका देला बूटे ला दी को नाटक कर मोर पुरता भी चली ही जीत रही है सही सही आया फिर भी आया हनि अधिक आलोचना पई आमो से तमो प्रतिनिधि कंटापांजीर हुलेश्वर हंस आमो से त जुड़े रहिसेंते हुलेश्वर जो घटना बा जो अभिजोग आसुछि वर्तमान कंटापांजी एरिया रो विशेष करे जाने को चाहिबो जेतेबेले लिखित अभिजोग दे सारिछंते अभिजोग परे पुलिस पक्षरो कोन कार्यअनुष्ठान निया जायछि देखन तो माधुरी गत शुक्रवार राति रे एई घटना घटिला किंतु गतकाली ए भूतेश्वर हाथी कंटापांजी थाना रे लिखित अभिजोग करथिले बर्तमान लिखित अभियोग करा जाय परे पुलिस तदन आरंभ करी छि वर्तमान सुधा अभियुक्त फेरार थिबा देखिबा को मिलि छि नेतेबे हुलेश्वर जानिया को चाहिबा गोटे कथा जेतेबेले कि दातन श्रमिक अर्थात टंकार लांच दे बाहर राज्य को नेबा पई गोटे पटे अड़ी बसै छथि जो माने सरदार किंतु सरदार को विरोध रे कोनो से कार्यनुष्ठान काहे के पर्यंत निया जाय नाही देखो तो कंटापांजी हेउची एक दादन प्रबण अंचल जे अंचल रे पेट पटण पई बाहर राज्य को श्रमिक माने दादन खड़ी थांती किंतु जणे श्रमिक को दादन सरदार माड़ मारिबा केते जुक्तियुक्त कथा एटी प्रश्न उठु जी दादन सरदार माड़ मारी से फेरार हो जायथा बले पुलिस रो कार्यस्थान सुन हो पड़ी छी दादन प्रबण अंचल कंटापांजी निर्वाचन मंडल होइथा बले एठाकार लोक माने बेसी करी पेट पटण पई बाहर राज्य को दादन खड़ी जायथांती किंतु दादन सरदार वर्तमान फेरार अछि पुलिस वर्तमान तदंत जारी रखिथा बले पुलिस पाखरे कोनोसी प्रकार अभियुक्त को धरियार विफल हेबाक लागिछि ओके पुलिस पक्षरु तदंत वर्तमान समय चली छि किंतु तदंत केते दूर आगौछि एवं जे सरदार रहिछन्ति जे माटो मारिछन्ति एभलि भाबरे निर्मम भाबे तांको विरुद्ध रे कोन कार्यनुष्ठान नया जाउछि ताहाकु देखबाकु बाकी रहला बहुत बहुत धन्यवाद हुलेश्वर आपनकर तमाम सूचना पाई आगु को जारी रहइबो खबर अभिचान हेले कमर्शियल ब्रेक परे ब्रेक पर स्वागत अमानिया मंत्री कोविड नियम भांगी ओडुआ गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास राज्य सरकार को कोविड कटकणार उड़ाइले ध्वजा ब्रिज उद्घाटन पर दलय कर्मी काठी जार भिडियो वर्तमान खुलासा हो मंत्री विरोध में गोप थाना अभियोग करजेपी शुक्रवार पूरी धनुआ बैतंगा सेतु उद्घाटन करने समय कोविड नियम भांगी मंत्री शह शह दलय कर्मी गहली से सेतु को उद्घाटन करते मंत्री समीर विरोध में मामला रुजु करने फाइन आदाय करने को दावी करी बीजेपी इन्हें अधिक सूचना पाई आम सहित फोनलाइन में जोड़े रही प्रतिनिधि कालूचरण साहू कालूचरण ये जो अभियोग आसुची बा मंत्री ना जो अभियोग आसुची बा जो वीडियो वायरल होई आम जहाँ देखिपुछ किभली कोविड नियमर ध्वजा उड़ाई गोटे पटे कोविड रे महामारी रे केते लोकों मृत्युबरण करपटे मंत्री मैंने एभली अमानिया होती निश्चित भाव माधुरी ये जो चित्र सामने को आसी कोर्ट ब्लक जो गत काली धनुआ और गोईटंगा सेतु उद्घाटन समय रे मंत्री समीर रंजन दास कोविड नियम को उल्लंघन कर संपूर्ण चित्र सामने को आसी गत काली पाखापाखि समय बारटा समय रे मंत्री निजे आसी कोर्ट ब्लक जो धनुआ बा गोईटंगा सेतु से जगार पाखापाखि पांच सौ ऊर्ध लोक दलय कर्मी हूँ नेतृवृंद मान को लेकिन से जगार उपस्थित होते संपूर्ण कोविड नियम को संपूर्ण उल्लंघन करना कहीं सरकार का गाइडलाइन अनेक किसी रही सामाजिक दूरता रहा मास्क पिंधा किंतु यह चित्र क्योंकि सामाजिक दूरता मंत्री मंत्री भूल जाइए क्या कहीं गत पूर्व दिन अपेक्षा चिंता करके बुझा पूर्व दिन मानक मंत्री कोर्ट आसिक पूरी जिला प्रशासन सह आलोचना करते कि भाव लोक मैंने सरकार का गाइडलाइन को मानवे किंतु ये कोर्ट जो बीजेपी मंत्री अर्थात राज्य मंत्री गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास संपूर्ण भाव में कोविड नियम को उल्लंघन करते क्योंकि ना क्योंकि एक नहीं गत तारीख बीजेपी गोप थाना अभियोग कर मंत्री विरुद्ध में मकदमा सह दंड और दंड संपूर्ण भाव में बीजेपी दावी करु चित्र को ना देखा पर गत काल जिले गोटे चर्चा लगी रही कोर्ट मंत्री जब नियम को उल्लंघन करेबे साधारण लोक मैंने शिखे कौन तेज मंत्री चित्र देखा पर क्योंकि साधारण लोक मन में अनेक किसी प्रश्न सुचुचे गोटे कथा जाने को चाहिए जिते कहते बीजेपी पक्ष अभियोग अभियोग पुलिस पक्ष प्रतिक्रिया आसुचे बर्तमान सुधा माधुरी पुलिस पक्ष किसी प्रतिक्रिया मिलवाक नहीं मंत्री प्रतिक्रिया मिलवाक नहीं चित्र
ଆଜି ବୟାନ କରୁଛି କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଅମାନିଆ ହେବା କେଉଁଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସିବା ବାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା ସହ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମଧ୍ୟ ତଣ୍ଡ ବହୁତ ତଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାମାନେ ହିଁ କିଭଳି କୋଭିଡ ନିୟମର ଧଜା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବୋଲି ଏଠି ସବୁ କିଛି ମାଫ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାତକୁନ୍ ମାଫ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।